नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एम एस टेक स्टूडियो। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में दिखाऊंगा अपाची 164V का माइलेज, यानी मैं अर्बन मोड पर चलाऊंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे माइलेज की वीडियो डाले हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डाले हैं। तो आज जो वीडियो है वो है अर्बन मोड के अंदर 80 से ऊपर गाड़ी, यानी 90 या 100 के आसपास हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या माइलेज में फ़र्क पड़ता है। तो उसी को दिखाने के लिए आपके लिए ये वीडियो है। और मैं अभी फ़िलहाल में पेट्रोल पंप पे ही खड़ा हूँ अभी, और पेट्रोल पंप पे मेरी टंकी में फुल टंकी कराऊंगा और फिर देखते हैं कितना माइलेज देती है। और एक बार मैं आपको मीटर भी दिखा दूंगा टंकी फुल कराने के बाद कि कितना मतलब ट्रिप में हो रही है, कितने किलोमीटर चल चुकी है और मेरी टंकी फुल है या नहीं है, वो सारी चीज़ दिखा दूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पूरा वीडियो देखना जिससे आपको पता चलेगा कि अपाची 164B अर्बन मोड के अंदर हाईवे पर यानी 80 किलोमीटर से रफ्तार से यानी ऊपर 90 या 100 के आसपास चलती है तो कितना माइलेज देती है, फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो पूरा वीडियो देखने पे आपको पता चलेगा। तो आपको एक बार मीटर दिखा देता हूँ, लेकिन पहले मैं टंकी फुल करा लेता हूँ, फिर आपको मीटर दिखाऊंगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना माइलेज दिया। तो दोस्तों, यदि वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे जो भी मैं वीडियो लाऊं इसके आप तक पहुंच जाओ। बेल आइकन को जरूर दबा लेना। तो चलते हैं पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल भराते हैं। कर दो टंकी, टंकी जितना भी आता है इसके अंदर, हाँ ऊपर करके फुल कर दो आप, तो जितना भी आता है इसमें। बस 20 कर दो, ठीक है, निकलने दो उसको, तो उसको तो निकलने दो। 120 रुपये बैठो। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने पेट्रोल टंकी फुल करा ली है और मैंने दिखा दिया आपको कि टंकी मैंने अभी फुल कराई है, यानी पहले से ही इसमें पेट्रोल पड़ा था तो 120 रुपये में फुल हो गई, यानी एक लीटर के आसपास इसमें आया था, जल चुका था तो शाम को भी फुल कराई थी। तो अब दोस्तों 760 किलोमीटर चल चुकी है मेरी गाड़ी और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। सुबह की 11:30 बज रहे हैं और 760.6 किलोमीटर अब मैं हाईवे पे चला रहा हूँ और ये चलेगी कम से कम 100 किलोमीटर चला के, इसके बाद इसमें मैं पेट्रोल डलवाऊँगा। और अर्बन मोड पे है, आप ये भी ध्यान कर लेना, अर्बन मोड पे है, सारी ट्रिप वगैरह सब सेट है, 761 हो चुका है।
होगा और इसमें अभी फिलहाल में 760 के आसपास अपन ने स्टार्ट की थी और 876 किलोमीटर हो चुकी है, यानी 110 किलोमीटर चल चुकी है। अब देखते हैं क्या माइलेज निकालती है अर्बन मोड के अंदर। अर्बन मोड के अंदर चला रहे हैं और अपन का माइलेज चेक कर लेते हैं, अभी बढ़ा लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। ये पेट्रोल पंप आ गया, अपन यहाँ पे बनाते हैं। ये वही पेट्रोल पंप है शायद कल अपन ने बनाया था। हेलो सर, भैया कितना फुल जो आता है वो डाल दो इसके अंदर। कल भी यहीं भरा था शायद मैंने, कल भी नहीं भराया, जब भी तो शाम तक जाए। अब मैं धौलपुर पहचान गए, कल तो भाई 230 को शाये आए तो। हाँ तो अब मैं उधर से ही आ रहा हूँ, अब देखते हैं कितना आता है। कल के नाम फुल करो। हाँ कल के नाम फुल कर। बस काफी हो गया। तीन सौ साठ ओके पीछे ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा लिया है और 360 रुपए का आया है। अब देख लो, अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे बंद कर लेता हूँ गाड़ी। तो दोस्तों मैंने हाईवे पे अर्बन मोड के अंदर इसको 90-100 के आसपास भजाया तो पता चला बहुत ही कम माइलेज दिया है, यानी मैंने 760 के आसपास मैंने पेट्रोल पंप पे फुल टंकी कराई थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पे मैंने पेट्रोल डलाया है और अब देख लो कितने किलोमीटर हो चुके हैं यहाँ पे, 876 किलोमीटर हो चुके हैं। तो 876 में यदि माइनस करते हैं 760 तो आपकी ज़्यादा नहीं आ रहा माइलेज, 116 के आसपास किलोमीटर बन रहे हैं। और जब 116 के आसपास किलोमीटर बन रहे हैं तो उसमें भाग यानी 3.27 लीटर इसके अंदर पेट्रोल आया है। अब उसका डिवाइड करोगे तो भाई साहब 35 का माइलेज इसने निकाल के दिया है अर्बन मोड के अंदर हाईवे पे। अपन 100 की स्पीड 90 की स्पीड चलाते हैं तो 100 से ऊपर मैंने नहीं चढ़ाई, 100 तक चढ़ाई है, 80 से ऊपर रखी है। और हाँ इसके अंदर एक और फर्क हो सकता है, शायद कम इसलिए दिया हो क्योंकि इसके अंदर 50 किलोमीटर तक या 60 किलोमीटर तक मेरे साथ में इस बाइक में दो बंदे और एक्स्ट्रा बैठे हुए थे, यानी खूब मेरे जैसे हेल्दी थे तो मेरे साथ में आए थे जहाँ से मैं मतलब ट्रिप स्टार्ट की थी। तो शायद इस कारण हो सकता है कि पेट्रोल से मतलब माइलेज कम निकाला है इसने और तीन बंदे होने के कारण उस पर लोड पड़ रहा हो हाईवे पे, इस कारण इसने माइलेज कम निकाला है। लेकिन 35 का दिया है, शायद मैं अकेला होता तो 40 तक पहुंच जाता। तो दोस्तों इस तरीके से यदि हाईवे पे पता चला कि अपन गाड़ी जो चलाते हैं 60-70 के आसपास चलाते हैं तो बहुत अच्छा माइलेज निकाल के दे रही है, लेकिन अपन इस गाड़ी को बहुत स्पीड पे यानी 90 की 100 की स्पीड पे चला रहे हैं तो माइलेज ये बहुत कम निकाल के दे रही है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो माइलेज के बना चुका हूँ, यदि आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके आई बटन के अंदर जाके प्ले लिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके अपाची के और सारे माइलेज के मिल जाएंगे, तो आपको जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, मैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंच जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।